अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज कुरमा और पूरी। चलिए शुरू करते हैं। जार में चार कटे हुए टमाटर, एक कटी हुई प्याज, 6 से 7 हरी मिर्च, 20 काजू, थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। अब इसको मिक्सर में पीस लें। कुकर में 2 टेबलस्पून तेल डालें। अब इसमें साबित गरम मसाला डालें। थोड़ा सा करी पत्ता, हमने जो पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर लें। इसको अच्छे से फ्राई करें। पानी सूखने तक फ्राई करते रहें। स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करें। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करें और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करें। मसालों को पेस्ट में अच्छे से मिला लें। दो सौ ग्राम कटे हुए आलू डालें। दो सौ ग्राम मटर डालें। 100 ग्राम कटा हुआ कैरेट डालें। इनको मिलाते हुए पकाएं। अभी इसमें 200 ml पानी डालें। थोड़ा हरा धनिया डालें। कुकर को 3 सीटी आने तक पका लें। पूरी के आटे के लिए बाउल में 300 ग्राम मैदा डालें। एक 150 ग्राम गेहूं का आटा, क्रिस्पी पूरी के लिए 2 टेबलस्पून बॉम्बे रवा डालें। 1/2 टीस्पून नमक डालें। 10 ml तेल, अभी पानी डालते हुए आटे को गूंद लें। आटे को 1 घंटे तक ढक के रखें। अब आटे के इस तरह से छोटे पेड़े करें।
प्रोसेस को फॉलो करते रहें। डीप फ्राई के लिए कढ़ाई में आधा लीटर तेल ऐड करें। पूरी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करें। पूरी और वेज कुरमा तैयार है। ऐसे और रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।